क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज, हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कितने ऑर्डर का ये, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते रहे, सबसे पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते रहे, माइनस का साइन अपनी तरफ से, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते रहे। देखो करो क्या हो जाएगा, बोलो कॉस 80 है ना इंटू साइन 10, माइनस का साइन अपनी तरफ से, माइनस और माइनस प्लस, ये कितना हो गया साइन 80 कॉस 10। देखो यार अगर हम इसको देखें तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या आपका, देखो अगर मैं बोलूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी, बी कितना है के पास 80, तो ये कितना है के पास साइन 90 आ गया, और साइन 90 के लिए कितनी थी बोलो 1, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट, फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपका, ये वाला, इस कॉलम के आपको क्या निकालने, कोफैक्टर्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं इसके कोफैक्टर्स। देखो यार सबसे पहले हम निकालते हैं M11, ठीक है, पहले माइनर फैक्टर निकालते हैं, माइनर फैक्टर से कोफैक्टर आ जाएंगे, ठीक है, तो M11 मतलब ये रो और ये कॉलम हट गया, तो इसका माइनर फैक्टर कितना आ गया, -1 आ गया। अब किसका निकालेंगे, M21, ये रो और ये कॉलम हट गया, कितना आ गया इसका माइनर फैक्टर 20। तो अब मुझे देखो इधर को फैक्टर निकालने हैं इसके, कैपिटल A11 निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, कैपिटल A1 का उनका मतलब क्या था, को फैक्टर। देखो इधर इन दोनों को ऐड करो, 1 और 1 2 है ना, मतलब इवन आ रहा है, इवन है तो जो नंबर जैसा है ना बिल्कुल वैसे ही, अब क्या है A21 ये ऑड हो गया, तो साइन क्या हो जाएगा इसका, चेंज हो जाएगा, बात क्लियर है। तो इसके को फैक्टर्स कितना के पास, -1, -20 आ गए, कितना के पास -1, -20 आ चुके हैं आपके पास, ठीक है, बात क्लियर है, चलें फिर आगे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपसे, कि आपको डिटरमिनेंट दे रखा है ना, इस डिटरमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, डेल से, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी, है ना, और क्या बोल रहा है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। देखो यार अगर हमने देखा इस डिटरमिनेंट को, तो देखो यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, -2, ठीक है, निकाल लो। देखो जब हमने यहां से -2 कॉलम्स मतलब सॉरी रो फर्स्ट से -2 कॉमन निकाल लिया, ये कितना हो गया 1, 2 और 3। ऐसे देखो इस वाले से है ना, सेकेंड रो से भी क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस का 2 कॉमन निकल रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो 4, 5 और 6। ऐसे अगर हम थर्ड कॉलम में देखें, इधर से भी क्या निकल रहा है, -2 कॉमन निकल रहा है, तो ऐसे कितना आ गया 1, 2 और 4 आ गया। तो देखो इधर ये कितना हो गया, माइनस को कितना हो गया, माइनस का 8, और इसके लिए मैं लिख सकता हूँ डेल, तो क्या आंसर आ गया आपका, माइनस का 8 टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है, ये क्या होगा, -8 टाइम्स होगा किसका, इस वाले डिटरमिनेंट का, बात क्लियर है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, क्या बोल रहा है, देखो ये वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इधर सेकंड ऑर्डर का है, तो कैसे करते थे, इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करते थे, कितना हो जाएगा बोलो कॉस 50 इंटू कितना कॉस 10, माइनस का साइन अपनी तरफ से, ठीक है ना, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते थे, देखो कितना हो गया साइन 50 इंटू साइन 10, बात क्लियर है। अब देखो यार कोई फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, बोलो किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी, तो देखो ये कितना हो गया, कॉस 60 हो गया, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती थी बोलो, √3/2, कितनी होती थी कॉस 60 की वैल्यू, √3/2 होती थी, बात क्लियर है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो आपसे ये सॉरी कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 ये तो साइन 60 की लिख दी आपने, है ना, कॉस 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 होती थी। देखो यार अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इस डिटरमिनेंट की। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये जो नंबर्स बाहर लिखे हुए हैं ना, ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए, उनको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, देखो क्या हो जाएगा पास, 1 1 1 बी सी
सी ए और ये आपका ए बी है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा क्या हो गया ए बी प्लस ए सी, यहाँ क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा सी ए प्लस बी सी, ठीक है। अब देखो इधर ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी, क्या बन रहा है ए बी बी सी और ए सी, यहाँ देखो ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ है ना, सी थ्री प्लस सी टू कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों कॉलम्स को ऐड कर रहा हूँ और ऑपरेशन इस लग जाएगा सी थ्री पर, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। देखो क्या हो गया के पास, ये वन वन और वन, ये आपका एजरेस बी सी सी ए और ये आपका ए बी एजरेस, मैंने क्या करा इन दोनों को ऐड करा है, तो देखो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखो अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इधर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से कॉमन निकाला ये वन वन और वन, ये कितना है आपका बी सी सी ए और ये कितना है ए बी, यहाँ कितना आ जाएगा वन वन और वन, ठीक है। अगर हमने देखें यहाँ पर तो जो सी वन और सी थ्री है वो कैसे आपस में आइडेंटिकल है, तो मैं क्या बोलूँगा सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, ये कैसे आपस में एक जैसी दिख रही है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था जब कोई सी भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती थी, जीरो होती थी। ए बी प्लस बी सी ये तो एज इट इज, इसकी जगह लिख दिया मैंने जीरो, और जीरो किससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने के पास जीरो आ गई, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट इज यूनिटी देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, देखो क्या बोल रहा है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर दे रखा है आपका वन के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। और क्या करना है हमारे को, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इधर सबसे पहली बात अगर हम देखें इसको, वन आपका एजरेस, मैं इस ओमेगा की पावर फोर को ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ओमेगा क्यूब इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, ओमेगा की पावर फोर को क्या लिख लूंगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, है ना, ओमेगा की पावर एट को क्या लिख लूंगा ओमेगा क्यूब इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये वन आपका एजरेस, ऐसे ही ओमेगा की पावर एट को ओमेगा क्यूब इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर वन, और इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, बात क्लियर है। अब देखो यार अगर हम इसको देखें तो वन आपका एजरेस, ओमेगा क्यूब की जगह लिख सकता हूँ वन, वन लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये ओमेगा हो जाएगा, यहाँ आपने ओमेगा क्यूब की जगह लिख दिया वन, है ना, ये आपका वन हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ओमेगा, यहाँ कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा वन, ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर वन, और ये कितना हो गया आपका ओमेगा हो गया, ठीक है। अब देखो इधर अगर हम देखें, देखो इधर अब हम क्या कर लेते हैं आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर देते हैं, देखो इधर जैसे मैंने करा ये कितना हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये कितना है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा। अब देखो आपने एक पढ़ा था इलेवंथ क्लास में पढ़ा था आपने वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है के पास जीरो, कितनी होती है इसकी वैल्यू जीरो, तो मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ जीरो लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, तो मैंने क्या रिप्लेस कर दिया जीरो जीरो और जीरो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा। देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर किसी भी डिटरमिनेंट के है ना कोई सी भी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है के पास जीरो, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आने के पास जीरो आ रही है, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना, कि इस डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर किसके बराबर है, इस डिटरमिनेंट माइनस इस डिटरमिनेंट के बराबर दे रखा है ना, तो हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो अब इस डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, सबसे पहले ये डिटरमिनेंट है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है इसकी वैल्यू का स्क्वायर, तो देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल सकती है कितना हो जाएगा बोलो फोर माइनस टू इस पूरे का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है, माइनस का साइन इज दिस, ये कितना हो गया x माइनस माइनस प्लस 6, ये कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है, 3x माइनस 2, माइनस का x और माइनस का 6, 4 आपका इज दिस, 3x में से x गया, कितना हो गया 2x माइनस 8, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, इस 8 को उठा के ले जाता हूँ, कितना आ जाएगा 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ये कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 से काटा 6, तो x के लिए कितने के पास 6 आ गई, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, कि आपको ये डिटरमिनेंट रखा है a11, a12, a13, a21, a22 है ना, यहाँ पर डिटरमिनेंट रखा है, और f11, f12, f13 आर क्रॉसबॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ये क्या है कोफैक्टर्स हैं किसके a11 के, a11 का कोफैक्टर क्या है f11, a12 का कोफैक्टर क्या है f12, और a13 का कोफैक्टर क्या है f13, ठीक है ना, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देखो यार पहला क्या है a12 इंटू f12, a22 इंटू f22, देखो यार जब हम किसी भी एलिमेंट को है ना, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या वैल्यू जीरो आती थी क्या, नहीं, ठीक है ना, जीरो नहीं आती थी, ठीक है ना, क्या आती थी आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आती थी, जीरो कब आती थी जब हम एलिमेंट को दूसरे कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर अगर उनको ऐड करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती थी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है आपका, ठीक है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, जब आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो क्या आता है आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, ये वाला जो ऑप्शन है ना सी ऑप्शन, ये क्या है आपका सही है।